अब मैं जो दूसरा मुद्दा लेके आता हूँ कि धर्मांतरण का, अपन ने वो देखा ना कि क्या मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये हर जगह पॉपुलर किया गया, यूरोप में भी इसी बात को पॉपुलर किया गया। सो दिस पॉइंट वॉज पॉपुलराइज दैट इस्लाम इज़ ए वेरी वायलेंट रिलीजन, इट स्प्रेड्स बाई सोर्ड, विच इज़ अ टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। एंड टू बिगिन विथ आई लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, एंड दिस इज एक सवाल के रूप में जरा जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट मॉस्क केम अप, भारत के कौन से राज्य में सबसे पहली मस्जिद बनी थी? होल्ड ऑन, ऑप्शन, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरला। केरला, केरला। अब केरल में तो याद रखिए, केरल में कभी भी किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, तो वहाँ की चेरामन जुमा मॉस्क, चेरामन जुमा मस्जिद जो बनी वो किसने बनाई? हिंदू राजा ने बनाई। क्यों बनाई भाई? बनाई इसलिए, एक बहुत सरल बात है, लॉजिकल है। मुझे लगता है कि अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करें तो हमारी आधी मुसीबतें दूर हो जाती है, पर ये मुसीबतें दूर नहीं होने चाहिए, इसलिए जो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का ही मर्डर कर देते हैं। कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर, क्यों मर्डर किया गया? लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करना खतरनाक है। एनीवे, एवरी रिवोल्यूशनरी थिंग इज डेंजर। अब केरल में भारत की पहली मस्जिद क्यों बनी? वाई द फर्स्ट मॉस्क केम अप इन केरला? आपको पता होगा केरल का मलाबार तट, मलाबार कोस्ट इन केरला, वेरी फ्रेंडली टू द ships, जहाँ जाते थे अरब देशों से व्यापारी आते थे, ट्रेडर्स यूज टू कम फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, वहाँ का सामान लाते थे, यहाँ के भारत के आम, केले, मसाले। याद रखिए दुनिया में दोस्तों मेल जोल से समाज बनता है, अच्छी चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर की अच्छी चीज़ें यहाँ आती है। तो अरब देश के व्यापारी आते थे, यहाँ सामान अपना बेचते थे, यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे, राजा को टैक्स मिलता था, राजा भी खुश, लोग भी खुश, व्यापारी भी खुश। तो ये अरब व्यापारी आते रहना चाहिए, इसलिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई। धर्मांतरण का इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। तो द फर्स्ट मॉस्क केम इन इंडिया बिकॉज अरब ट्रेडर्स वे आर कमिंग एंड दे विल हैविंग ट्रेड्स विद द लोकल पीपल, इट वॉज नॉट बाई एनी किंग। नंबर एक, इज दिस पॉइंट क्लियर? फर्स्ट मॉस्क, वाई इट केम अप, एटसेट्रा। नंबर दो, एक सवाल है, अगर भारत का इस्लाम मुसलमान राजाओं के कारण आया था तो भारत के कौन से राज्य में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए? प्लीज़ अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, इफ़ इस्लाम केम बिकॉज ऑफ मुस्लिम किंग्स, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देर शुड बी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ दिल्ली? मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम किंग्स? दिल्ली। दिल्ली में होना चाहिए, पर दिल्ली में नहीं है। जरा परसेंटेज देखिए, दिल्ली में मुसलमानों का परसेंटेज अभी मुझे बताया गया था, वो अभी अकबर रोड का नाम बदल रहे, तो अपने वो जो एक बहुत है ना, सबसे गंदा बोलते रहते, राज्यसभा के MP बनाए गए अभी, अरे हाँ हाँ स्वामी, नाम स्वामी है पर काम क्या है वो छोड़ दीजिए। उनसे पता चला कि दिल्ली में मुसलमानों का परसेंटेज है 7.8, 7.8, सबसे कम। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में, बंगाल में, आसाम में। मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम किंग्स? दिल्ली। एंड वेयर इज़ द इस्लाम मैक्सिमम? इन केरल, वेयर देयर वॉज नो मुस्लिम किंग। इन बंगाल, इन आसाम। तो बेसिकली किंग्स डोंट स्प्रेड रिलीजन, राजा लोग धर्म नहीं फैलाते। राजा लोग क्या फैलाते हैं? सत्ता, सत्ता। राजा लोग क्या फैलाते? धर्म कौन फैलाता है? धर्म, धर्मगुरु फैलाते, संत फैलाते, मेल जोल से बनता है। पर हाँ, यू मस्ट बी नोइंग एवरी रूल हैज़ ए एक्सेप्शन, हर एक कानून का अपवाद होता है। जैसे मैंने कहा राजा लोग धर्म नहीं फैलाते, ये कानून समझ, इसका भी एक अपवाद है। एक राजा दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, वो राजा
अपने भारत के हैं, कलिंगा कौन से है, सम्राट अशोक। रोमिला थॉपर लिखती हैं, दुनिया के एक ही राजा थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनका क्या नाम है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को तलवार के माध्यम से फैलाया या प्रेम के माध्यम से फैलाया, प्रेम के माध्यम से फैलाया। सो धर्म कभी तलवार की नोक पर नहीं फैल सकते। मुसलमान राजाओं ने उत्तर भारत के राज्य को करीब 700 साल तक राज्य किया। अगर 700 साल तक वो लोग धर्म फैलाते तो भारत में कोई हिंदू बचता क्या, हिंदू बचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर इस्लाम कैसे फैला, मैं यहाँ लाऊंगा भारत के एक महान स्वामी जी को, जिनको लोग भगवाकरण कर रहे हैं, पर उनको गहराई से पढ़िएगा। हमारे पूना के कुछ दोस्तों ने स्वामी विवेकानंद पे एक अच्छी किताब निकाली है, और स्वामी विवेकानंद ने जो आलोचना की है जाति व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की, बहुत अप्रतिम है, उनको पढ़िएगा। ये किताब का मैं आपको एड्रेस दूंगा, लोकायत ग्रुप है पूना में, दे हैव ब्रॉट आउट ए स्मॉल बुकलेट ऑन विवेकानंद, कॉस्टिंग ₹5, गेट इट, रीड इट एंड प्रोपोगेट इट। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, इस्लाम कैसे फैला। स्वामी जी अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330, स्वामी जी कहते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत के 80% मुसलमान, भारत के 80% ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम द शूद्रा बैकग्राउंड। स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर हमको बताते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे फैला। अब ये जो इस्लाम के फैलने का तरीका, एक और मैं लॉजिक फिर से ले आता हूँ। हमने बात की धर्म के, और धर्मों में एक पवित्र स्थान होता है जहाँ हम जाना चाहते हैं, कौन सी जगह है, हिंदुओं में मंदिर। शूद्रों को हिंदू माना जाता था, यस माना तो जाता था थियोरिटिकली, पर क्या उनको मंदिर जाने की इजाज़त थी क्या, नहीं थी। आज है क्या, 50-50, उनको मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, कहीं तो जाना है ईश्वर से बात कर रही या जो भी हो, तो वो जाते थे सूफी संत की दरगाह पे। तो सूफी संतों की दरगाह पे जाने को किसी को मनाही नहीं थी, और इन सूफी संतों के प्रभाव में आकर भारत के ज़्यादातर दलितों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। एक भारत के महान संगीतकार हैं जिनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, A.R. रहमान, हिज ओरिजिनल नेम वॉज दिलीप कुमार। तो कौन से धर्म के हो गए, वो हिंदू, ही वॉज फ्रॉम ए हिंदू फैमिली, तो वो मुसलमान कैसे बने, क्या ओसामा बिन लादेन ने आके उनको बॉम्ब दिखाया था कि तू मुसलमान बन जा नहीं तो तेरे को ख़त्म कर देंगे, गलत। उनके पिताजी को कैंसर हो गया, ये बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो उससे बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए वो लोगों से मिलने लग गए, और उनकी मुलाकात के दौर में हुआ एक सूफी संत के संपर्क में, और सूफी संत इन आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सूफी सेंट ही फेल्ट वेरी गुड, एंड आफ्टर लॉन्ग इंटरेक्शन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज रिलीजन। सो व्हाट इज फोर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज ऑफ रिलीजन इज ए इंटरनल मैटर। एक बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ था 1956 में, मैनी दलित्स कन्वर्टेड इन टू अनदर रिलीजन। डज एनीबडी नो व्हाट इज दैट कन्वर्शन, अम्बेडकर लेड कन्वर्शन टू बुद्धिज्म, वॉज इट दैट अम्बेडकर वॉज शोन द सोर्ड, वॉज ही थ्रेटन्ड, ही हैड फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ही फेल्ट इंसल्टेड, दैट्स वाई ही सेड आई वॉज बॉर्न इन दिस रिलीजन बट आई विल नॉट डाई इन दिस रिलीजन। विच क्रिश्चियन कम्युनिटी इज ओल्डर, इंडियन और अमेरिकन? इंडियन, अमेरिकन किसने बोला, मैं पनिश नहीं करूँगा, एक्चुअली अमेरिका बना ही बाद में, अमेरिका बाद में बना, और भारत का ईसाई समाज चालू होता है AD 52, सेंट थॉमस, फिर से वही आए मलाबार के तट पर। इस बार मैं गया था कोचिंग किसी लेक्चर के लिए, तो वहाँ मुझे बताया यहाँ सेंट थॉमस आए थे वगैरह वगैरह, एंड ही सेट अप लॉट ऑफ चर्चेस। तो भारत का ईसाई समाज कितना पुराना है, कम से कम 1900 साल। इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी एटलीस्ट इज 1900 ईयर्स ओल्ड। तो 1900 साल से ईसाई मिशनरी आ रहे
धर्मांतरण कर रहे। बताइए 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस फिगर्स ऑफ 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस? आज क्या परसेंटेज है? 2.3। और क्रिश्चियन मिशनरी कितने दिनों से काम कर रहे? 1900 साल से। तो बाई चांस अगर मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरे को काम दिया जाए कि आप ईसाई मिशनरियों के काम का इवेल्यूएशन करो, अगर बाई चांस मेरा करो, मैं उनका काम का इवेल्यूएशन करने बैठा कि ईसाई मिशनरियों ने काम ठीक किया कि नहीं किया, तो मैंने ईसाई मिशनरियों को 1900 साल में 2.3 लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए उनको परीक्षा में पास करना चाहिए कि फेल करना चाहिए? फेल करना। 2.3 पे तो कोई पास ही नहीं हो सकता, मिनिस्टर के बेटे के सिवा, भाई देव, राइट। और हमारी बम्बई में एक परिवार है जो मराठी भाषा के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे सबको मारता पीटता रहता है। कौन सा? राइट। तो मैं एक बार स्टडी किया, भाई ये तो मराठी भाषा का इतना गौरव, फिर हिंदू धर्म का इतना गौरव, तो इनके परिवार के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ना चाहिए? मराठी म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ना चाहिए। और पढ़ते कहाँ हैं? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते। हिपोक्रेसी की लिमिट है। वैसे तो मराठी के नाम पे लोगों को मारपीट कर रहे, हिंदू धर्म के नाम पे मारपीट कर रहे, पर खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे? क्रिश्चियन मिशन स्कूल में। 1999 में एक पैस्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके दो मासूम बच्चों के साथ जलाया गया। क्या कहा गया? RSS से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए दारा सिंह, हु वॉज एसोसिएटेड विद बजरंग दल विच इज़ ए पार्ट ऑफ RSS। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई ये पैस्टर स्टेन्स धर्मांतरण का काम कर रहे। जलाया गया, पूरी दुनिया में एक प्रकार से खलबली मच गई, होल वर्ल्ड गॉट शेकन कि हाउ इन ए प्लेस लाइक इंडिया ए पैस्टर इज बीइंग बर्न्ड अलाइव, नॉट अलोन अलॉन्ग विथ हिज टू इनोसेंट चिल्ड्रन एज 7 और 11, 7 और 11 साल के बच्चों के साथ जलाया गया। तो एक कमेटी बैठी, उन्होंने कहा भैया ये हमारी जो वो कौन सी मोदी सरकार, नहीं उस समय मोदी थोड़ी थे, उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? वाजपेयी सरकार। बोले हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही कि दुनिया के लोग जलने लग गए, तो इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये कर रहे। बाद में एक वाधवा कमीशन बनाया गया। वाधवा कमीशन ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि ये जो मर्डर करवाया गया ये बजरंग दल के दारा सिंह ने करवाया गया, जो अभी जेल में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पे ईसाई धर्म का, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग ईसाई बनते ईसाई नहीं पहचानते, वो भी मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ लोग वैसे भी हो, पर मोटे तौर पे ज़्यादा ईसाई धर्म जो फैला है वो फैला है यहाँ के आदिवासी एरियाज़ में, यहाँ के दलित एरियाज़ में। भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते थे, प्रेम से रहते थे, और इनके बीच में अगर आप देखें तो मेल जोल की एक सभ्यता बनी। हमारी जो सभ्यता संस्कृति, आवर कल्चर इज नॉट एक्सक्लूसिवली हिंदू कल्चर, हमारी सभ्यता केवल हिंदू संस्कृति नहीं है। और हिंदू में भी हिंदू कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नॉर्थ ईस्ट का हिंदू, मद्रास का हिंदू, पंजाब का हिंदू, सबको यूनिफॉर्म कल्चर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और जो भी कल्चर होता है सब मिलजुल कर बनता है, ऑल कल्चरल पैराडाइम्स दे आर ए मिक्सचर ऑफ ईच अदर। दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ, थोड़ा खाने पीने की चीज़ों से ही मैं शुरुआत करता हूँ। खाना पीना है, गाना है, संगीत है, कपड़े पहनना है, दो चार चीज़ें हम देख लेते हैं, बाकी उससे आप अंदाज लगा दीजिए। खाने पीने की आपको पता होगा हमारे बम्बई में एक चीज़ बड़ी लोकप्रिय है, बहुत सस्ती भी होती है, वड़ा पाव। अब जरा वड़ा पाव कैसे बना ये देखिए। वड़ा पाव का पाव आया अफगानिस्तान से, अंदर वड़ा बनता चने की दाल, चने की दाल आई मेक्सिको से, उसके अंदर आलू आया स्पेन से, और फाइनली उसमें स्वाद के लिए डालते अदरक, जिंजर। अदरक वहाँ से आई जहाँ से आजकल प्रायः सभी चीज़ें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों, वेरी गुड। इतनी सारी चीज़ें आई और हमारा वड़ा पाव बना। खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए, फैसला आपका है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये बताइए, रामायण महाभारत सीरियल आप सबने देखे होंगे, करेक्ट? बताइए रामायण महाभारत सीरियल में
माइथोलॉजिकल सीरियल्स में हमारे देवी देवता किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? होल्ड ऑन, ऑप्शन ए पैंट शर्ट, बी सलवार कमीज, सी पायजामा कुर्ता, डी धोती साड़ी। धोती साड़ी। अब ये बताइए, धोती साड़ी और बाकी कपड़ों में क्या फ़र्क है? धोती साड़ी जो है बिना सिला बिना कटा कपड़ा है, क्योंकि उस समय भारत में बुनाई की कला, आर्ट ऑफ वीविंग वॉज देयर, पर आर्ट ऑफ स्टिचिंग वॉज नॉट देयर। आर्ट ऑफ स्टिचिंग वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाई अरब ट्रेडर्स फ्रॉम 8th century। सुई, धागा, कैंची आई और उसके बाद कपड़ा सीना चालू हुआ। तो बताइए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं तो अपने यहाँ धोती साड़ी पहन के बैठते थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। पर एनीवे, समाज बदलता रहता है। और ये हो गया, सबसे ज़्यादा मेल जोल वास्तव में जो हुआ वो हुआ हमारे संगीत के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में। हैवी इंटरेक्शन ऑल्सो टुक प्लेस इन द एरिया ऑफ रिलीजन। ये तीन चीज़ें केवल में हम देख लेंगे। आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लोकसभा का चुनाव कहाँ से चुन के आए थे? बनारस में। इस बनारस में, ये बनारस किन का पवित्र शहर है? हिंदुओं का। यहाँ एक पवित्र नदी बहती है, कौन सी है? गंगा। तो जस्ट एक दोस्त याद ही कीजिए एक सेंटेंस को, हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। क्या नाम है उस्ताद? बिस्मिल्लाह खान। और ये जो उन्होंने संगीत विकसित किया, ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके किया। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कल्चर इज विजिबल इन अवर रिलीजियस ट्रेडिशंस। और ये रिलीजियस ट्रेडिशंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ बताइए, ये भी सवाल के रूप में बताइए, संत कबीर को मानने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे, या दोनों थे? दोनों थे। सूफी संतों की दरगाह पे हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, या दोनों जाते हैं? दोनों जाते हैं। ये बात मैं डिटेल में नहीं बता सकता, पर दोस्तों इतना याद रखिएगा, भक्ति संत और सूफी संत, इन्होंने नैतिक मूल्यों के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। ये एक वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, भक्ति संत सूफी संत इंसानियत के आधार पे, नैतिक मूल्यों के आधार पे लोगों को जोड़ते हैं, और कुछ लोग धर्म की पहचान को लेकर दंगे करवाते हैं और इंसान को बांटते हैं। तो दो प्रकार की राजनीति मैं आपको बता दूं, एक प्रकार का प्रवाह जो इंसान को इंसान से जोड़ता है उसका आधार होता है नैतिक मूल्य, और दूसरे प्रकार की राजनीति जो लोगों को बांटती है उसकी पहचान, उसका आधार क्या होता है? पहचान के मूल्य। प्लीज़ रिमेंबर दिस सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस आपको याद रहा तो आप सांप्रदायिकता को समझने में कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो खैर, ये भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा। अब हम आते हैं कि एक पॉइंट और आया, दो छोटे छोटे पॉइंट ले लूँ अंतिम पॉइंट पे जाने के पहले। दो पॉइंट आए कि ये खाने पीने का मामला, कि मांस खाने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो ये बताइए, दुनिया में कितने परसेंट लोग वेजिटेरियन है? गेस वर्क, अंदाज लगाइए। 5%। आई मोर ऑर लेस विल एग्री, दुनिया में 5-10% से ऊपर लोग वेजिटेरियन नहीं है। तो क्या बाकी सब 95% लोग हाथ में तलवार लेके घूमते रहते? भाई अभी मैंने ऑमलेट खाया, तैयार रहो। मैंने तो मटन कबाब खा लिया, और तैयार रहो। सबसे खतरे की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तौर से शाकाहारी था। ख्याल कीजिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। देयर वाज वन पर्सन हु वाज टोटली वेजिटेरियन एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगेस्ट मास जिनोसाइड इन द वर्ल्ड, हिटलर। ठीक है, तो अब ये है। वैसे वैसे गुजरात का कत्लेआम हुआ, उसका जो भी प्रेसिडेंट था वो भी पूरी तौर से शाकाहारी है। आई एम वेरी स्केयर्ड। वैसे तो दुनिया में दोस्तों अलग अलग प्रकार के खाने की तरीके हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, सॉरी टू टेल यू। एक और बात मैं आपको बता दूं, आई हैव स्पेंट 9 years इन मेडिकल कॉलेज, MBBS, MD। आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, मैं सिर्फ इतना एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने
खाने पीने का तरीका और विचारों के बीच में संबंध को कहीं नहीं देखा। जो हमको पढ़ाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, उसमें इसका संबंध कहीं नहीं दिखाया जाता। और आप दुनिया में समाज देख लो, ऐसे भी लोग हैं गाय का मांस खाते हैं, सभी मांस खाते हैं, शांति के पुजारी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तौर से शाकाहारी हैं और पूरे पूरे आक्रामक नफ़रत से भरे हुए बॉम्ब के गोले करके चलते रहते हैं। बात करते हैं शाकाहार की और बात करते हैं हिंसा की, ये दोनों चलते रहते हैं। वास्तव में दोस्तों, इंसान में डाइवर्सिटी बहुत है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन सोसाइटी। ये विविधता है और ये विविधता में आप देखिए, कोई लोग किसी प्रकार का खाना खाता है, कोई लोग किसी प्रकार का खाता है। देयर आर डाइवर्स वेज ऑफ फूड हैबिट्स। थोड़ा आपको उदाहरण दे दूँ, ये नागालैंड में कुत्ते को खाया जाता है, राइट रॉन्ग? बिहार में चूहे को खाया जाता है, राइट? पर्सनल एग्जांपल दे दूँ, पहले मेडिकल, पहले आईआईटी में था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए हांगकांग गया। हांगकांग गया तो दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, सवेरे उठ जब नींद खुल रही थी, बहुत एक तेज स्मेल, स्ट्रांग फ्लेवर, स्ट्रांग स्मेल केम और नाक में स्मेल आई, मैं जाग गया उससे। मैंने बोला यार काय की स्मेल आ रही, क्या बन रहा है? किचन में गया, वो दोस्त की पत्नी कुछ पका रही थी। मैंने कहा क्या पका रहे हो? बोले मैं सांप का सूप पका रही हूँ आपके ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कहा थैंक यू, मुझे लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कोंकण में एक प्रकार का खाना है, बंगाल में दूसरे प्रकार का खाना है, ऑस्ट्रेलिया में तीसरे प्रकार का खाना है, अमेरिका में चौथे प्रकार का खाना है। आप मुझे बताइए सही कौन है, गलत कौन है? सब सही है अपनी जगह पे। और इसमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सबसे बड़ी बात है। रोहित वेमुला ने सुइसाइड की करने के पे मजबूर हुआ। रोहित वेमुला की फेसबुक पोस्ट जरा पढ़िएगा। उनकी यूनिवर्सिटी में एक बीफ फेस्टिवल हुआ, बीफ फेस्टिवल में रोहित वेमुला ने भाग लिया। तो रोहित वेमुला लिखते हैं कि मैं बीफ फेस्टिवल में भाग लिया इसलिए नहीं लिया कि प्राचीन काल में गाय का मांस खाया जाता था, मीन्स प्राचीन काल में खाया जाता था, नो प्रॉब्लम, पर मैंने इसलिए भाग लिया प्राचीन का ये बीफ फेस्टिवल में क्योंकि मेरे समाज के बहुत सारे लोग, मैनी पीपल इन माई कम्युनिटी आर डिपेंडेंट ऑन बीफ एज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, दे आर ईटिंग बीफ। इन सॉलिडैरिटी विद देम, उनसे अपनी एक ही दिखाने के लिए मैंने बीफ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। और इसी बीफ फेस्टिवल की जो आज बात बताई जा रही है कि गऊ हमारी माता है, आई विश वी कैन टेक केयर दैट मच ऑफ एनिमल्स। अरे भाई, हम अभी अपनी माँ को तो देख नहीं पा रहे, हमारी माँ का क्या हाल हो रहा है? जहाँ इतने बड़े एरिया में अकाल है, दुष्काल है, लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, आप अपने घर की माँ को नहीं देख पा रहे हो और वहाँ आप गाय को ऐसा प्रमोट करना चाहोगे, थोड़ा एक चिंता का विषय है। आज गाय के नाम पे मोहम्मद अखलाक को मार रहे, दलित लोगों को मार रहे कि वो गाय का मांस, गाय का चमड़ा निकाल के उसका जूते बनाते, लोगों को फांसी लगा रहे, पर गांधी जी इसके बारे में क्या बोलते हैं पता होगा? गांधी जी अहिंसा, शाकाहार पूरा पोड़ते। एक बार गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में उनके अफ्रीका के दिनों के एक मुसलमान दोस्त का बेटा गांधी जी के आश्रम में आया, आते से उसने गांधी जी को मिला, गांधी जी के पैर पकड़ लिए और कहा बापू नमस्ते, ही सैल्यूट्स गांधी जी। गांधी जी को याद आया, अरे आज तो ईद का दिन है, तो उन्होंने उस लड़के के कंधे पे थपथपाया, इशारा किया कि खड़े हो जाओ। वो लड़का खड़ा हुआ, इन्होंने उसको गले लगाया और बोला बेटा ईद मुबारक। अब जैसे ही इन्होंने कहा ईद मुबारक, तो उन्होंने कहा यार ये लड़का तो मेरा मेहमान है, मेरा अतिथि है, अतिथि को अपने यहाँ कौन सा दर्जा है? देवोभव। ये मेरा अतिथि है, आज अगर ईद के दिन अपने घर में होता तो नॉन वेजिटेरियन खाता, शीर खुरमा खाता। तो उन्होंने अपने एक सहकारी को बुलाया कि शीर खुरमा तो यहाँ भी बन जाएगा, तुम बाज़ार से जाओ, बाज़ार से मेरे इस मेहमान के लिए तुम मटन लेके आओ। कौन बोल रहा है? गांधी जी।
अब जैसे गांधी जी ने कहा इसके लिए तो मटर लेके आओ, तो लड़का फिर से गांधी जी के पैर पे गिर पड़ा। बोला बापू आज के दिन मैं मटन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं आपके आश्रम में आया हूँ। एक आदर्श समाज में कैसे जीना चाहिए इसका यह उदाहरण है। क्या उदाहरण है? गांधी जी किसका आदर कर रहे हैं? मेहमान का। मेहमान किसका आदर कर रहे हैं? गांधी जी का। ये एक है, और अभी मैंने इसी पे गांधी जी का एक और भी पढ़ा था। गांधी जी को कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो आप गाय को पवित्र मानते हैं, अभी तो भारत आज़ाद हो गया, आप गौ हत्या पर बंदी ले आइए। तो गांधी जी कहते हैं जब तक यहाँ के अल्पसंख्यक दलित आदिवासी इसकी मांग नहीं करते तब तक इस पर बंदी नहीं लाना चाहिए। आज बंदी की मांग कौन कर रहा है? जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो एक प्रकार की राजनीति में विश्वास रखते हैं। गाय से उनको कितनी मोहब्बत है मुझे नहीं मालूम, पर उसको एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में दे आर ट्राइंग टू यूज़ इट। जिंदगी का एक भाग ऐसा नहीं है जिसमें मेल जोल नहीं हुआ। और ये तो एक और है, मैंने ईसाई के बारे में कुछ बात नहीं की, वो भी एक बताना चाहता हूँ आपको। ऐसी ऐसी मान्यताएँ लोग रखते हैं जिसको लेकर वो चर्च जाते हैं। एक चर्च है मदर वेलंकिनी का, दक्षिण में, दक्षिण भारत में है मदर वेलंकिनी का चर्च। वहाँ ऐसे लोगों को फेमस ये है कि वहाँ अगर आप जाओ तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब लोगों को तो बीमारी से बचना है, ये बचना है। धर्म की बाउंड्री तो पॉलिटिकल लोग देखते हैं, आम लोग धर्म को बाउंड्री के रूप में नहीं देखते। एवरेज पीपल डू नॉट सी रिलीजन एज ए बाउंड्री, दे सी इट एज ए मीटिंग पॉइंट। आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो, एक जगह लिखी रहती है मीटिंग पॉइंट, यानी दो लोग वहाँ मिलते हैं, और राजनीतिक लोग उसको एक डिवाइडिंग पॉइंट के रूप में लेके यूज़ करते हैं। तो मदर वेलंकिनी का चर्च है। हमारे बम्बई में एक माहिम चर्च है, माहिम चर्च। तो क्या हुआ, एक बार मैं एक संडे को मॉर्निंग में लेक्चर के लिए वहाँ बुलाया गया, तो मैंने देखा भाई वो माहिम चर्च में बड़ी भीड़ है। तो लेक्चर के दौरान वहाँ जो माहिम चर्च के कुछ इंचार्ज थे, मैंने उसको कहा भाई इस एरिया में क्रिश्चियन लोग बहुत रहते, आपके चर्च में कितनी गर्दी है। अरे बोले ये जो लोग हैं आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा फिर कौन है? बोले इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, लोगों की कुछ मन्नत रहती है। एक फेमस हो गया है कि अगर आप यहाँ प्रे करोगे, कैंडल चढ़ाओगे, तो आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। आप समझ गए ना मन की मुराद? खैर मन की मुराद के लिए लोग जाते हैं, किसको प्रॉब्लम है, जहाँ से मुराद पूरी हो जाए वो अच्छा ही है। वैसे तो दुनिया बहुत बेरहम है, तो कहीं से अपने को उम्मीद दिखी तो दैट्स ऑल द गुड। खैर तो ये हमारा जो इंटरेक्टिव कल्चर था इसकी ये मुख्य मान्यता। आपके एरिया में कोई यूनिक दरगाह है, कोई चर्च है जहाँ आप देखते हो कि अलग धर्मों के लोग इंटरेक्ट करते हैं, या कोई ऐसी ट्रेडिशन दिखती है जिसमें अलग अलग लोगों के भाग लेते, तो उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट कीजिए। मैं आउट ऑफ द हैट कह रहा हूँ कि ये चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में नहीं हुआ है। हर एक शहर में जाता हूँ, मेरा ट्रैवल बहुत होता है, मैं देखता हूँ हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसी यूनिक प्लेस है। बोलेंगे हाँ वो एक दरगाह है वहाँ ये होता है, कोई चर्च है वहाँ ये होता है, कोई मंदिर है वहाँ तीसरी चीज़। तो हर चीज़ में एक प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, विविधता दैट इज़ हिडन इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, विच आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स टू डॉक्यूमेंट एंड कीप इट टू यू। प्रॉबेबली वी कैन थिंक इन फ्यूचर व्हाट डू वी डू आउट ऑफ दैट। थोड़ा सा आतंकवाद कर लेते, आतंकवाद करेंगे नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब मेरा मतलब डिस्कस कर रहे, ठीक है। अब आतंकवाद के बारे में एक जो शब्द है वो शब्द है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी, इसमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। ज़रा बताइए बताइए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। कौन से धर्म का था? 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? स्वन सिंह, बेअंत सिंह, कहर सिंह, ये तीन नाम में से दो नाम कोई तो भी थे, सिख बॉडीगार्ड। 1991 में राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? धानू नाम की लड़की तमिल लिट्टे नाम के ग्रुप से जुड़ी थी, राइट। 1958 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री SW बद्दार नायके की हत्या एक बुद्ध भिक्कू ने की। लास्ट पॉइंट, सन 2006 में नॉर्वे में एंडर्स बर्निंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने 86 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
ये एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक कौन से धर्म का होगा? क्रिश्चियन धर्म का। तो बताइए पहला आतंकवाद को किसको हमने देखा? एक हिंदू 1984 में, सिख 1991 में, हिंदू धानु नाम की लड़की, उसके बाद बुद्ध भिक्खु और उसके बाद क्रिश्चियन। तो बताइए आतंकवादी केवल एक धर्म में से आए हैं या प्रायः प्रायः सभी धर्मों से आए हैं? नंबर दो, ये आपकी ओपिनियन में चाहता हूँ, आतंकवादी धर्म के कारण आए हैं या राजनीति के कारण आए होंगे? राजनीति के कारण। नंबर तीन बताइए, दुनिया में कोई माँ अपने पेट से आतंकवादी को जन्म देती है क्या? माँ तो एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा आगे जाके या तो आतंकवादी बनता है या बनाया जाता है। मदर गिव्स बर्थ टू ए ब्यूटीफुल बेबी एंड दैट बेबी मे टर्न इन टू ए टेररिस्ट ऑन हिज ओन हर ओन अकॉर्ड और बिकॉज ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस। तो ये क्यों बनता है आतंकवादी कोई, इसके लिए एक वाक्य, हमारे दोस्त एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, हरदीनिया जी है उनका नाम, उन्होंने लिखा था, अन्याय अत्याचार की गोद से जन्म लेता है आतंकवाद। टेररिज्म गेट्स बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ इनजस्टिस। जब कुछ लोगों को लगता है हमारे ऊपर होने वाला अन्याय अत्याचार एक लिमिट के बाहर चला गया है, तो कुछ लोग उसमें से आतंकवाद का ये गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। प्लीज नोट, तो आतंकवादी मैंने दो में बांट दिया, पहला बनते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इनजस्टिस, और सेकंड कुछ लोगों को इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है आतंकवादी बनने के लिए। पहला फेनोमेनन मैं नहीं ले रहा, दूसरा फेनोमेनन मैं ले रहा हूँ कि आतंकवादी बनाए जाते हैं, पीपल आर मेड टर्न इनटू टेररिस्ट, और उसके दो उदाहरण लूँगा। एक उदाहरण तो खैर वो ख़तरनाक है, जिसका मैंने नाम लिया था अभी, दैट पर डेडेड पर्सन who is supposed to be responsible for 9/11 2001, who is supposed to be responsible, क्या 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 नाम है इसका, ओसामा बिन लादेन। नाम लेने से भी डर लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, अब ओसामा बिन लादेन एक है तो आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 दो एरोप्लेन आए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए, बिल्डिंग नीचे बैठ गई और उसी के साथ करीब 3,000 लोग मारे गए। थ्री क्वेश्चंस। नंबर वन, दोज पीपल हु डाइड दे वर गिल्टी आर इनोसेंट, जो लोग मारे गए वो गुनाहगार थे कि बेगुनाह थे? नंबर दो, जो लोग मारे गए वो कौन से देश के थे? सभी देशों के थे। जो लोग मारे गए वो कौन से धर्म के थे? सभी धर्मों के। सभी धर्मों के, सभी देशों के, प्रायः 3,000 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद ओसामा बिन लादेन टीवी पे दिखा और ओसामा बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, ये हुआ, दिस एक्ट हैज टेकन प्लेस। वो बोलता है ऐसा और होना चाहिए, ये जिहाद है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई बताइए, ओसामा बिन लादेन खुश हो रहा है किस बात पे? ही इज़ बिकमिंग हैप्पी ऑन व्हाट ग्राउंड? कि दैट 3,000 इनोसेंट पीपल हैव डाइड। तो मेरा सवाल है, बताइए दुनिया का कोई धर्म बेगुनाह लोगों को मारने की इजाज़त देता है क्या? नहीं देता। दुनिया का कोई भी धर्म बेगुनाह लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बेगुनाह लोगों को मारने की इजाज़त देता है क्या? नहीं। सब लोग नहीं नहीं बोल रहे, पर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में आज डाउट है कि पता नहीं इस्लाम ऐसा बोलता है कि नहीं। तो यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, इस्लाम भी बेगुनाह लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता। लेट मी क्लैरिफाई, इस्लाम ऑल्सो डज नॉट परमिट द किलिंग ऑफ इनोसेंट पर पीपल। और यहाँ मैं आपको सरल रेफरेंस देता हूँ, मेरे रेफरेंसेज अभी तक कॉम्प्लिकेटेड थे, अभी सरल रेफरेंस दे रहा हूँ। अपने वो शाहरुख खान की एक फिल्म है ना, कौन सी, माई नेम इज़ खान, और इसमें एक डायलॉग है, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये डायलॉग कईयों को याद है। एक दूसरा डायलॉग मैंने याद किया हुआ है, उसी फिल्म का है, फिल्म को देखेंगे केयरफुली तो आपको याद आएगा। शाहरुख खान एक जगह कहते हैं, कुरान की सूरह 5 आयत 32 हमें ये बताती है, कुरान की सूरह 5 आयत 32 हमें ये बताती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, कितने, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है।
इवन इफ यू किल ए सिंगल इनोसेंट पर्सन दैट इज लाइक किलिंग द होल ह्यूमैनिटी। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कितने लोग मारे गए? 3,000। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ओसामा बिन लादेन 3,000 बेगुनाह लोगों के मारे जाने के बाद खुश हो रहा है, ये इस्लाम के अनुसार है या इस्लाम के विरोध में है? इस्लाम के विरोध में है। तो ओसामा बिन लादेन को इस रास्ते पर कौन लाया, उसको सारांश में आपको बता दूं। ओसामा बिन लादेन को इस रास्ते पे जो लाया वो आज देश का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक भी देश है। उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अंकल सैम भी कहते हैं। और ये एक्चुअली जो वेस्ट एशिया में तेल के कुओं की राजनीति के कारण इस प्रकार की बात हुई। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास पे भी ले जाऊँगा। आपको पता होगा दुनिया में पहले दो सुपर पावर्स थे, कौन कौन से? रशिया और अमेरिका, देयर टू सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया। दोनों में टेंशन रहता था, मैं कंट्रोल करूँ ज़्यादा कि तू कंट्रोल करें। रशियन फौजों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, रशियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। अमेरिका वांटेड टू रिटेलिएट, अमेरिका इसका जवाब देना चाहता था। पर अमेरिका का एक प्रॉब्लम था, आजकल तो आप देखते होंगे जब मौका पड़ा अमेरिकन फौज जाती है एक देश पे आक्रमण कर देती है। उस समय अमेरिकन फौज का एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अमेरिका की फौज का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। क्यों गिरा हुआ था अमेरिकन फौज का मनोबल? क्योंकि अमेरिकन फौज को वियतनाम के लोगों ने हरा दिया था। तो उन्होंने बोला भाई अब रशियन ने, फौजों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, इसका जवाब कैसे दिया जाए? तो खैर वहाँ भी बड़े तेज सोचने वाले धुरंधर लोग रहते हैं। एक वहाँ निक्सन थे, एक हेनरी किसिंजर थे, उन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन निकाला, एक नया थ्योरी निकाला। दे केम आउट विद द थ्योरी दैट इन एशिया वी शुड मेक मुस्लिम यूथ फाइट फॉर आवर कॉज। यानी एजेंडा किसका है? अमेरिका का। लड़वाएंगे किसको? मुसलमान नौजवानों को। और ये मुसलमान नौजवानों को ट्रेन करने के लिए उन्होंने तीन चीज़ों को मिलाया, थ्री फैक्टर्स केम इन। नंबर वन, पाकिस्तान में कुछ मदरसे, उन मदरसों में उन्होंने सऊदी अरेबिया का एक इस्लाम का वर्जन लाया जो टोटल तरीके से आक्रामक और एक ख़तरनाक तरीके की हिंसा करने की बात करता है। और तीसरा, इस सब के पीछे जो पैसा दिया वो पैसा दिया अमेरिका ने। मैंने इसको रिसर्च करके लिखा है, अमेरिका ने 8,000 मिलियन डॉलर और 7,000 टन हथियार ये अलकायदा को मुहैया कराए, जिसकी मदद से अलकायदा ने अलग अलग आक्रमण किए, रशियन विरोधी फौजों के साथ मिले और रशियन फौजों को हरा दिया। और इसमें दो शब्दों को डिस्टॉर्ट किया गया, मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश ऐसा किया गया कि देखो भाई कि जो लोग तुम्हारे विचार को नहीं मानते, पहले तो कहा गया जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, फिर कहा गया जो लोग तुम्हारे से डिसएग्री करते वो काफिर है। तो रशियंस को उन्होंने काफिर कहा, और काफिर शब्द का मतलब भी बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। काफिर शब्द का वास्तविक मतलब है सच्चाई को छुपाने वाला, ये काफिर का ओरिजिनल मतलब है। ये वर्ड कैसे आया था आपको पता होगा, मोहम्मद साहब इन्होंने जब शुरुआत की तो पुराने कबीलों से लोग मुसलमान बन रहे थे, कबीले का समाज था, कबीले के समाज से लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे थे। और वो जब मुसलमान बन रहे थे तो पुराने कबीले के लोग उनको पीछे से वार करते थे, छुप के वार करते थे, उनको वास्तव में काफिर कहा जाता था। आई विल स्टॉप हियर, ये वर्ड थोड़ा आप क्लियर कर लीजिए। काफिर का शब्द, अब शब्द बहुत पॉपुलर है, शब्द ऐसा माना जाता है कि जो इस मुसलमान नहीं है वो काफिर है, ये गलत बात है। काफिर शब्द का मतलब है जो सच्चाई को छुपाए, उसको ये मदरसों ने बदल दिया कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं। आजकल तो यहाँ हो गया जो मेरे प्रकार के इस्लाम को नहीं मानते मैं उनको काफिर मानूंगा, ये खतरनाक तरीका अमेरिका के ब्रेन वॉशिंग से चालू हुआ। उसके बाद कहा गया कि जो काफिर है, जैसे रशियन फौज काफिर है,
काफिरों को मारना जिहाद है, ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया गया। आपको बता दूं, जिहाद के एक्चुअली मतलब बहुत गहरा है, मतलब बहुत अच्छा है। जिहाद का वास्तविक मतलब है अपनी आत्मा की शुद्धि करना, अपने आप को अच्छे तरीके से समाज में रखना, बुराइयों के खिलाफ लड़ना, ये जिहाद का वास्तविक मतलब है। इन्होंने बता दिया कि भाई जो लोग तुम्हारे विचार को नहीं मानते वो काफिर है, काफिरों को मारना जिहाद है, और अगर तुम जिहाद करते समय मारे गए तो कहाँ जाओगे? जन्नत में जाओगे। और धर्म युद्ध करते समय मारे गए तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग युद्ध कर ये धर्म युद्ध करते समय मारे गए तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और क्रूसेड करते समय मारे गए तो हेवन में। अरे आपको अभी तो वीसा पासपोर्ट सब क्लियर बताया था, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई जन्नत में जाता है, कोई हेवन में जाता है। पर एक बात दोस्तों, पुरुष लोगों की बात है, दिस वेल ओरिएंटेड वर्ल्ड, स्वर्ग हो, हेवन हो या जन्नत हो, पुरुष लोगों को बड़ा आकर्षण है। परियां आ गई, कहीं हूर की परियां हैं, कहीं दूसरी परियां हैं, कहीं तीसरे प्रकार की परियां। तो ये लालच दे के इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, और इतना ब्रेन वॉश किया गया कि लोग तैयार रहते थे कि ब्रेन मैं तेरे से पहले मैं मरूंगा। क्यों मरूंगा भैया? मरूंगा तो जन्नत जाएंगे, और यहाँ क्या लाइफ है? वहाँ तो एक 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 जिहादी के लिए कितनी कुआ कितनी हूर की परियां रहेंगी? 72। ये ब्रेन वॉश का तरीका, अमेरिका का पैसा, और इसी के बाद ये बना मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा। बाद में अमेरिका ने आक्रमण किया इराक पे, और इराक के आक्रमण में जो वहाँ की मिलिट्री थी वो टूट गई। टूटी हुई मिलिट्री क्या करेगी? टूटी हुई मिलिट्री वापस आई, और उन्होंने अपने आप को ISIS, आजकल जो सबसे खतरनाक है ISIS, ये अलकायदा का कंटिन्यूएशन है, उसी विचारधारा को लेकर वो ये चल रही। तो ये कैंसर की जड़ कहाँ दिखती है आपको? अमेरिका में दिखती। कैंसर की जड़ आपको दिखती है अमेरिका में, और दूसरा दिखती है तेल के कुओं की राजनीति में। इसको मैं समराइज करूँगा, आपके सवाल लेता हूँ। बताइए, आज दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है, उससे मारे जाने वाले कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है? मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन? मुस्लिम सबसे ज़्यादा मारे जाते, नंबर एक। नंबर दो, ये जो वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वो एरिया है, उसको मैं वेस्ट एशिया कह रहा हूँ। वेस्ट एशिया में तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, यह आतंकवाद सबसे ज़्यादा है, यस नो? नंबर दो, या कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है? मुस्लिम। नंबर तीन, या कौन सा खनिज पदार्थ है सबसे ज़्यादा? तेल। तो आतंकवाद का संबंध तेल से है या मुसलमानों से है? तेल से है। और हम लोग मानते रहते मुसलमान मुसलमान, ये होता है। एक अंतिम सवाल, अगर आतंकवाद मुसलमानों के कारण होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज़्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया। सऊदी अरब तो छोटा सा, हमारे बम्बई से भी कम है, सऊदी अरब छोटा देश है, सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया की सड़कों पे क्या नज़ारा होता? दो मुसलमान नौजवान चल रहे, पहला मुसलमान नौजवान दूसरे को पूछता है, हेलो तूने कितनों को मारा? तो पहले वाला वापस जवाब में पूछता है, तेरे पास लेटेस्ट हथियार कौन सा है? पर ऐसा इंडोनेशिया में नहीं होता, ऐसा तेल के कुओं के एरिया में था। और अंत में, अभी अभी साध्वी जी का प्रकरण चल रहा है, दो व्हीकल्स की कहानी, एक साध्वी की मोटरसाइकिल और एक रूबीना मेमन की कार। रूबीना मेमन, वो बम्बई के ब्लास्ट में, और याकूब मेमन जो उसने थोड़ा हेल्प किया था, उसकी बीवी, जिसकी कार को एक्सप्लोजिव ले जाने के लिए यूज़ किया गया, वो आज जेल में है। उसको कार चलाना नहीं आता, हेलो, उसको कार चलाना नहीं आता, और वो एक्सप्लोजिव लेके वो गई नहीं थी, और वो जेल में है। और दूसरी अपनी साध्वी जी, साध्वी जी मोटरसाइकिल चलाती थी, यूज़ करती थी, उनको छोड़ने की तैयारी चल रही है। रूबीना मेनन को लाइफ इंप्रिजनमेंट है, इसको छोड़ने की बात चल रही है। और यहाँ आप लोग एक सर्च कीजिएगा स्वामी असीमानंद तहलका कन्फेशन। स्वामी जी पकड़े गए, और जब वो पकड़े गए, उनके पकड़े जाने के बाद वो जेल में थे,
हैदराबाद के आसपास कहीं। तो जेल में क्या हुआ, ये बड़ी बड़ा रोचक रोचक कहानी है। जेल में एक नौजवान था, मुसलमान नौजवान, उसका नाम था कलीम। अब कलीम जब था तो कलीम ने देखा, भाई स्वामी जी तो बड़े पवित्र इंसान दिख रहे, अब दिखने में और सच्चाई में फ़र्क होता है ना। तो वो उनकी सेवा करने लग गया, चाय लाना, ये करना वगैरह वगैरह। तो स्वामी जी उस पर बहुत खुश हो गए। एक दिन स्वामी जी ने उसको पूछा, बेटा कलीम तू जेल में कैसे? तो कलीम बोलता है, स्वामी जी आपको क्या बताऊँ, मैं छोटा मोटा चोर हूँ, जेल में आना जाना चलता रहता है। पर स्वामी जी 6 महीने पहले मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के कारण मुझे पकड़ा गया था। शाम हो गई, कलीम चला गया, स्वामी जी का इंसानियत जाग गई। वो बोले, यार मक्का मस्जिद का ब्लास्ट तो अपन ने करवाया, पकड़ा गया कलीम। उन्होंने मजिस्ट्रेट को बुलाया और पूरा स्टेटमेंट दे दिया, संकट मोचन के ब्लास्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि बॉम्ब का जवाब बॉम्ब से देंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनाए और वो सब जगह पे, हैदराबाद, मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट करवाए। इसका पूरा कन्फेशन मैंने एक बुक में भी दिया है, तहलका की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आतंकवाद की कहानी है। आतंकवाद का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये एक राजनीति का अभिव्यक्ति है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन वन साइड द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, ऑन द अदर साइड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, दीज आर द टू थिंग्स बिकॉज ऑफ विच टेररिज्म इज गोइंग ऑन टूडे। अगर ये पॉइंट आपको समझ गया तो आपको पूरी सांप्रदायिक राजनीति की जड़ समझ जाएगी। तो अंग्रेजों के आने के कारण एक हुआ मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक उद्योग धंधे आए। नंबर दो, उसी के साथ मॉडर्न एजुकेशन आया, और इन परिवर्तनों के कारण 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये 3 नए वर्ग कौन से थे? नंबर एक, व्यापारी उद्योगपति वर्ग, जिन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री की स्थापना की। उनके उदाहरण टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली, फैक्ट्रियों पे काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग। तो दूसरा वर्ग आया मजदूर वर्ग। और तीसरा वर्ग जो ऊपर आया समाज की गोद से, जो नया वर्ग निकला, वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग, मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस। तो आप दोहरा सकते हैं, 3 नए वर्ग कौन से बने? पहला व्यापारी उद्योगपति, दूसरा मजदूर वर्ग, तीसरा शिक्षित वर्ग। ये नए वर्ग जब इतिहास में आए, पुराने वर्ग खत्म नहीं हुए। भारत का दुर्भाग्य ये है कि नए वर्ग, नई व्यवस्था, नए विचार आए, और पुराने वर्ग, पुरानी व्यवस्था, पुराने विचार चलते रहे। ये पुराने वर्ग कौन से थे? ये थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, और कुछ अब संगठन, इनको मैं कहता हूँ डूबते वर्ग, इनको मैं कहता हूँ उभरते वर्ग। उभरते वर्गों में से कुछ संगठन बने, डूबते वर्गों में से कुछ संगठन बने, और इन संगठनों के नाम से उनका राजनीतिक एजेंडा आपको समझेगा, यही मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो उभरते वर्गों में से जो संगठन आए उनको जरा पहचानिए, उनके नाम के पैटर्न को देखिए, और ये संगठन को आप पहचानिए। पहला संगठन जो इधर से आता है उनका नाम है सरदार भगत सिंह। उनके संगठन का नाम किसी को याद है? हाँ जी, आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस की थी, सुभाष, इनके भगत सिंह के संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। एक बार दोहरा देंगे। दूसरे व्यक्ति इधर से आए, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर के संगठन का नाम किसी को पता है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा संगठन जो आया उसके लिए मैं 4 लोगों के नाम ले रहा हूँ। नंबर एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नंबर दो एनी बेसेंट, नंबर 3 सरदार बलदेव सिंह, और नंबर 4 मोहनदास करमचंद गांधी। कोई इनके संगठन को पहचान सकता है? कांग्रेस। पूरा नाम क्या था हिंदी में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नाम मैं दोहरा रहा हूँ, इनके नाम के पैटर्न को देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नए समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, नए मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन। अब पुराने लोग जो थे उनको डर लगा, समाज बदल रहा है, हमारे अधिकारों का क्या होगा, हमारे वर्चस्व का क्या होगा, हमारे डोमिनेशन का, देवर द डोमिनेंट क्लासेस अर्लियर,
अब उनको डर लगने लग गया, तो उन्होंने भी अपने संगठन बनाए। और इन संगठन के नाम को जरा पहचानिए, पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम किसी को याद है? मुस्लिम हिंद, वेरी गुड। दूसरे व्यक्ति हैं विनायक दामोदर सावरकर, 1923 के 21 में अंग्रेज़ों की जेल से छोड़कर आए और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी का नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने हिंदुत्व की राजनीति को सामने रखा, हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य सामने रखा। हिंदुत्व की राजनीति हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य को देकर लेकर एक संगठन बना 1925 में, ये जरा पहचानिए, आरएसएस। मैं आपको नहीं तो हिंट देने वाला था कि पहले वो हाफ पैंट पहनते थे, अभी फुल पैंट पहनने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस को कौन सा राष्ट्र चाहिए? क्रिश्चियन राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र। तो इधर के जरा नाम देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर के नाम देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? एक धर्म के नाम पे राजनीति कौन करते हैं? इनको मैं कहूंगा डूबते हुए वर। और ये राजनीति जो कर रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया में जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहां पुराने वर्गों को, पुरानी विचारधारा को, सामंतवादियों को, जमींदारों को, राजाओं को इतिहास के पटल से हटा दिया गया था। भारत में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पुराने लोग जिंदा रहे, पुरानी विचारधारा जिंदा रही, और उन्होंने, अब मुस्लिम लीग ने कहा इस्लाम खतरे में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम खतरे में था या जमींदारी खतरे में थी? इस्लाम खतरे में था या जमींदार मुसलमान राजा खतरे में थे? मुसलमान राजा खतरे में थे। आरएसएस हिंदू महासभा ने कहा हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में था या उनकी सत्ता खतरे में थी? सत्ता खतरे में थी। तो खैर, तो यहाँ से दो प्रकार के राष्ट्रवाद आए। आपको कभी टाइम मिले तो जेएनयू में अभी बहुत सारे टीचिंग्स हुए थे, उसमें नेशनलिज्म पे बहुत सारे डिबेट हुए थे। तो ये नेशनलिज्म को अगर समझना है तो दो प्रकार के नेशनलिज्म, दो प्रकार के राष्ट्रवाद यहाँ से आए। एक राष्ट्रवाद आया भगत सिंह, अम्बेडकर और गांधी की तरफ से, ये राष्ट्रवाद था इंडियन नेशनलिज्म। ये इंडियन नेशनलिज्म, अब ये बात मैं मानता हूँ, भगत सिंह, अम्बेडकर, गांधी में बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारे मतभेद थे, उसी के साथ उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी, कॉमनैलिटी, सेम प्रकार, सिमिलर एक प्रकार की आइडियाज उनकी थी। और वो आइडिया में तीन चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक, बताइए भगत सिंह, गांधी, अम्बेडकर, ये तीनों लोकतंत्र को मानते थे? यस अर नो? ये तीनों धर्मनिरपेक्षता को मानते थे? यस अर नो? ये तीनों स्वतंत्रता, समता, बंधुता को मानते थे? यस। अब ऊपर से लगता है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, यानी मुस्लिम एक तरफ है, हिंदू एक तरफ, ऐसा लगता है। पर मेरा विश्वास कीजिए, ये प्रकार के धर्म के नाम के राष्ट्रवादी, ये वास्तव में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ऊपर से दुश्मनी दिखाते, अंदर से उनके विचार एक प्रकार के होते, और वो विचार होते हैं सामंतवादी फ्यूडल वैल्यूज को आज की भाषा में रखना। और यही तो इधर से उभरते वर्गों के बीच में से आया इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद। इन्होंने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। इसको दोहराइए, भारत क्या है? इन्हें हम बन रहे हैं, हम रेडीमेड नहीं हैं। अब इन्होंने कहा भारत एक बनता राष्ट्र है, तो मुस्लिम लीग ने कहा ये बनता बनता को हम नहीं मानते, हम तो ऑलरेडी एक रेडीमेड राष्ट्र है 1100 साल से, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, एक मुस्लिम बादशाहत आई, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो आप बताइए, राजाशाही और राष्ट्र में फ़र्क होता है कि नहीं? होता है। पर मुस्लिम लीग अपनी पहचान किससे ले रही है? एक राजा से ले रही है। राजा में, राजाशाही में नागरिकता होती है क्या? वोट डाल रहे, चुन रहे, आलोचना कर रहे, राजाशाही में होता है? नहीं होता। मेन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज दिस, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन किंगडम्स एंड द मॉडर्न नेशन स्टेट।
अब खैर मुस्लिम लीग ने कहा हम 1100 साल से एक मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने अपनी पहचान और मूल्य एक मुसलमान राजा से लिए। बात कौन सा है? कृषि समाज। कृषि समाज के साथ ही मनुष्य एक जगह पे रहना चालू करता है और राजाशाही की शुरुआत होती है। और राष्ट्रवाद की शुरुआत जो होती है वो 17वीं-18वीं शताब्दी से होती है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अंग्रेज़ों के आने के बाद होती है। अब मोटे तौर पे मैं कहूँ कि आरएसएस की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है, फिर भी इतना मैं कहना चाहता हूँ, भगत सिंह, गांधी, अम्बेडकर अपने मतभेदों के बावजूद स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और जो पुराने वर्गों के लोग हैं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये अपनी पहचान राजाशाही के मूल्य से लेते हैं। पहले वास्तव में देखिए, काशी के राजा और ढाका के नवाब, इन्होंने मिलकर एक बनाया था, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दैट। इसी में से एक जगह निकली मुस्लिम लीग, एक जगह निकली हिंदू महासभा, क्योंकि दोनों लोग राजा टाइप के लोग थे, दोनों लोग जमींदार टाइप के लोग थे, और उनके जो विचार थे वो थे जन्मजात ऊंच नीच। और ये जन्मजात ऊंच नीच, इसको मैं दो प्रकार से बताने की कोशिश करूँगा। सामंती समाज में, फ्यूडल सोसाइटी में, जमींदारी सोसाइटी में दो प्रकार की ऊंच नीच रहती है। एक ऊंच नीच एक प्रजा की और राजा की। जब प्रजा राजा के सामने जाती है तो वो सीधे नहीं जा सकती, सीधे खड़े होकर नहीं जा सकती, उसको कैसे जाना पड़ता है? झुक के जाना पड़ता है। वो राजा को अपनी पीठ नहीं दिखा सकती, उसको रिवर्स गियर में वापस आना पड़ता है। तो ये प्रजा। और दूसरी, एक भारत के संदर्भ में बात करूँ तो एक थी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में पता नहीं आपकी चर्चा हुई है कि नहीं, पर एक देखिएगा, अंबेडकर जी ने इस जाति व्यवस्था को बहुत सुंदरता से बताया है। अंबेडकर क्या कहते हैं? भारत की जाति व्यवस्था जो है एक चार मंजिला समाज के तरीका है। चार मंजिला समाज, ये चार मंजिले आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग, ये इमारत बड़ी अच्छी है, पर इस बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस बिल्डिंग में सीढ़ियाँ नहीं है। सीढ़ियाँ नहीं है तो क्या होगा भैया? ऊपर वाले को तो नीचे आना नहीं है, नीचे वाला ऊपर जा नहीं सकेगा। ये जाति व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था पुरुष और स्त्री के बीच में। तो ये व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए एक तरफ मुस्लिम लीग आती है, एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस आती है, और ये प्राचीन काल के गुणगान करते रहते हैं। प्राचीन काल वेरी गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब मज़े में थे। तो खैर, आरएसएस ने अपनी जो स्थापना की 1925 में बनी, और इसने लोकतंत्र को रिजेक्ट करके प्राचीन मूल्यों के आधार पर समाज को चलाने की बात की। इसने स्वयंसेवक बनाए, ये स्वयंसेवकों में से प्रचारक बनते हैं। और आरएसएस ने काम करने का तरीका दो प्रकार से रखा कि ये संगठन बनेंगे, जैसे पहला संगठन उनका बना औरतों के लिए। अब यहाँ मैं थोड़ा औरत और पुरुष की बात कर लेता हूँ। बताइए, आरएसएस में, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? अब जरा आपको व्याकरण का सवाल पूछता हूँ, ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है? पुल्लिंग है, तो इसमें औरतें हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, औरतें नहीं है उसमें, आरएसएस में औरतें नहीं हैं। दुनिया के चंद संगठन हैं जिनमें औरतें नहीं होती, एक तालिबान है, दूसरा आरएसएस है, तीसरा आईएसआईएस भी है, राइट? बुरा मत मानिएगा, उसमें औरतें नहीं जा सकती। तो औरतों के लिए, औरतों से काम कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक और संगठन बना। उस संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। क्या नाम है? पुरुषों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। स्त्रियों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र सेविका समिति। स्त्रियों के संगठन से कुछ गायब हो गया? स्वयं। स्वयं यानी क्या? मेरा अस्तित्व। याद रखिए दोस्तों, हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार, हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार स्त्रियों के स्वयं को पुरुष के जेब में माना जाता है। और शायद इसीलिए पुरुषों के कमीज में जेब बने होते हैं, ये मुझे पता नहीं है, इस पर कोई रिसर्च हुआ नहीं है, राइट? अब ये बात जो राष्ट्र सेविका समिति के रूप में आई, बाद में एबीवीपी बना,
मजदूर संघ बना और बहुत सारे संगठन इन्होंने बने, और आज जो हम राजनीति देख रहे हैं वो मैंने इस छोटी सी किताब में उसका वर्णन किया है। आपने देखा होगा रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, आपने देखा होगा कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप कन्हैया कुमार को सुनेंगे, और मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ जिस प्रकार से हमारे नौजवान साथी हमें एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विरोध किसी धर्म से नहीं है, मुझे विरोध है धर्म के नाम की राजनीति से। धर्म और धर्म निरपेक्षता में अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध है तो धर्म के नाम की राजनीति में और धर्म के नाम के मूल्यों में, ये अंतर विरोध है। तो दोस्तों, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं तालिबान के खिलाफ हूँ, ISIS के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान में बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पे चलने वाली राजनीति के खिलाफ हूँ, और भारत में हिंदू धर्म के नाम पे चलने वाली इस खतरनाक राजनीति के मैं खिलाफ हूँ। तो आप चर्चा कीजिए, बहुत दूर जाना है हमें, दूर जाना इसलिए बराबर मन में सवाल उठता रहता है, इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, मामला बढ़ क्यों नहीं रहा। मामला बढ़ इसलिए नहीं रहा कि ये हमारा जो काम है ये एक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले रहा। गांधी जी की सबसे बड़ी बात क्या थी, वो हर एक चीज़ को एक आंदोलन का रूप देते थे। आज ज़रूरत है एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की, धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की जो दलितों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, मजदूरों के अधिकारों को लेकर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बात लेकर आगे चले, और इस प्रकार के आंदोलन के आधार पर ही हम भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। आज झगड़ा हिंदू मुसलमान का ऊपर से दिखता है, जो वास्तविक झगड़ा है वो एक तरफ से भारतीय संविधान को बचाने का और दूसरी तरफ से मनुस्मृति के मूल्यों को उस पर लादने की कोशिश है। मनुस्मृति के मूल्यों को चालाकी से आधुनिक रूप में, परंपरा के रूप में बता के हमको बताया जाता है कि हमारे धर्म का मामला है, और उसी आधार पर एक राजनीति की जाती है। अपील यह है दोस्तों, आज वक्त बहुत कठिन है, कठिन वक्त है भारतीय संविधान के मूल्यों के लिए, कठिन वक्त है भारत की एकता और अखंडता के लिए। इस एकता के लिए हमको सामने आना है और जो मूल्य हमारे भारतीय संविधान में है उनको ले जाने के लिए कोशिश करना है। भारतीय संविधान ने सामाजिक परिवर्तन की बात को महत्व दिया, इसलिए आप देखेंगे आज़ादी के आंदोलन में ज्योतिराव फुले दलितों के लिए सामने आते हैं, सावित्रीबाई फुले अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, और ये हमारे सामाजिक परिवर्तन का भाग आज़ादी के आंदोलन के समांतर चलता है। और जो धर्म के नाम की राजनीति वाले थे, जो राजा नवाबों से आए थे, उन्होंने इन चीज़ों पे ख्याल नहीं दिया, पर आज वो सबसे ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं दलितों के बीच में, औरतों के बीच में, और एक हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर। वो उसको हिंदू राष्ट्रवाद नहीं बोलते आजकल, वो बोलते राष्ट्रवाद, पर राष्ट्र याद रखिएगा उनका राष्ट्रवाद है हिंदू राष्ट्रवाद। मेरा भी राष्ट्रवाद है, पर मेरा राष्ट्रवाद है भारतीय राष्ट्रवाद, मेरा राष्ट्रवाद है भगत सिंह का, गांधी का और अंबेडकर का मिला जुला राष्ट्रवाद, ये हमारा राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सांप्रदायिक राजनीति जो बढ़ती है उसका आधार होता है नफरत। नफरत कैसे होती है, नफरत बनती है सोशल कॉमन सेंस, सामान्य सामाजिक सोच। तो सबसे पहले होता है सामान्य सामाजिक सोच, उसके आधार पर नफरत फैलाई जाती है, और नफरत फैलाई जाती है उसके कारण हिंसा संभव होती है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताइए सांप्रदायिक दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं, और सांप्रदायिक दंगे तभी करवा सकते हैं जब समाज में नफरत हो, और ये अभी बहुत सारे रिसर्च लोगों ने क्लियर कर दिया है। जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहां भाजपा राजनीतिक तरीके से पावरफुल हो जाती है, और हर एक बड़ी जो घटना हुई, बंबई का दंगा, गुजरात का दंगा, कत्लेआम जो भी ये हुए, उसके बाद भाजपा की ताकत में इंक्रीज हुई, वृद्धि हुई। तो आज नौजवान साथियों और बाकी दोस्तों, हमारा एक कर्तव्य है कि समाज में ये जो नफरत आई है, जो गलत सामान्य सामाजिक सोच आई है, उसका विरोध करना ज़रूरी है।